चौथी क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का रोज की तरह स्कूल जरूर जाता था, लेकिन एक दिन वो स्कूल गया और वापस लौट के घर नहीं आया। सबसे ज्यादा घबराहट उसकी माँ को हुई, माँ परेशान हो जाती है, वो अपने पति को बताती है। फिर उसके बाद उस लड़के को हर जगह ढूंढा जाता है, उसे तलाश किया जाता है। आखिरकार जब माँ का मन नहीं माना तो वो विद्यालय पहुंच जाती है और वो स्कूल जाने के बाद कहती है कि बस एक बार मुझे सीसीटीवी कैमरे दिखा दो कि मैं अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ कि वो ये स्कूल आया है या फिर नहीं आया। लेकिन वो लड़का आखिरी बार प्ले रूम में खेलते हुए दिखता है, उसके बाद वो कहीं दिखाई नहीं दिया। तो माँ ने उसी प्ले रूम के भीतर जाती है और उसकी स्थिति कुछ ऐसी होती है जैसे साइकोलॉजिकल वो बीमार है, परेशान है, हैरान है। उसके बाद उसने कुर्सी में छोटे से छोटे डब्बे इधर उधर सब हटा के देखा और देखने के बाद वो बार बार पूछ रही थी कहीं उसका बालक किसी तरीके से वो लड़का मिल जाए। उसकी एक ही आस थी कि कहीं भी उसका लड़का मिल जाए। बस अब खुद ही सोच के देखिए, उसी रूम के भीतर एक चटाई बिछी हुई थी फर्श पे, उस चटाई के नीचे अगर कोई छिपने की भी कोशिश करेगा तो कहां तक छिपेगा। आखिरकार वो माँ को और कुछ नहीं दिखा तो उसने उस चटाई को खींचा और खींचकर जब उसे अलग किया तो उसके नीचे एक गटर का ढक्कन उसे दिखाई पड़ता है। बस माँ की एक उम्मीद यहीं पर जग जाती है, वो उम्मीद शायद इस गटर के ढक्कन की तरफ होती है। तो माँ ने कहा इस गटर के ढक्कन को मुझे हटवाना है, अब कुछ भी हो कैसे भी हो इस ढक्कन को आप हटवा दीजिए। तमाम सारे लोग इस बात को लेकर के मना कर रहे थे लेकिन वो माँ जिद पर अड़ जाती है। आखिरकार वो ढक्कन हटाया गया और जैसे ही ढक्कन हटाया जाता है तो उस ढक्कन हटाने के बाद का जो नजारा दिखा, उस माँ की जो बेटा वो लाल जो था वो उसी गटर के ढक्कन में हटने के बाद उस पानी में तैर रहा था। इतना ही में वो हंगामा हो जाता, न केवल उस स्कूल में हंगामा होता बल्कि पूरे राज्य भर में इस बात की चर्चा फैल जाती है कि आखिरकार पुलिस प्रशासन ही नहीं बल्कि जो भी ये सोच रहा था वो भी काफी हैरान रह जाता है कि वो लड़का आखिरकार गटर के भीतर कैसे गया, उसे किसने पहुंचाया, क्या उसकी हत्या की गई थी या जो कोई भी कारण था। आज ये वीडियो के माध्यम से ये जानने और बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की जो सच्ची घटना मैं बता रहा हूं, दरअसल ये होता है बिहार राज्य का एक शहर है पटना, और यही पटना का एक इलाका पड़ता है दिग्घा थाना क्षेत्र। दरअसल दिग्घा थाना क्षेत्र का एक पोर्शन रोड है, वहीं का एक रहने वाली महिला और वो अपने पति जो कि रोज की तरह एक स्टील फैक्ट्री के भीतर जो नसीरगंज में पड़ती है वहां पर वो काम करने जाते हैं, और महिला अपने पति जिसका नाम शैलेश राय होता है, शैलेश राय से कहती है कि देखो 3 से ज्यादा बज गए लेकिन हमारा बेटा अब तक स्कूल से वापस नहीं आया। यानी आयुष जिसकी उम्र करीब 4 वर्ष की होती है, जो कि नर्सरी क्लास का छात्र होता है। जैसा ही ये बात शैलेश राय सुनता है वो कहता है कि उसकी जो बहन होती है उससे जाकर के बात करो, वो एक और बच्चे जो थे प्रिया, तो वो कहा माँ बोलती है, पत्नी बोलती है कि हम प्रिया से बात कर लिए और बाकी ड्राइवर से पूछ लिए, तो ड्राइवर कहता है वो आज बालक स्कूल में दिखाई नहीं पड़ा तो हम कहाँ से लेके आते। ये बात जैसे ही शैलेश राय ये बात सुनता है तो परेशान हो जाता है, सीधा वो फैक्ट्री से छुट्टी लेता है और घर आता है। घर जाने के बाद पत्नी से पूछता था, पत्नी पूरी कहानी समझाती है और तभी कहता है 16 मई 2024 के सुबह 7 बजे के आसपास की जब वो अपने बेटे को बस तक छोड़ने जा रही थी तब आयुष ने कहा माँ आज तो मुझे मत छोड़ने जाओ, आओ आज मुझे दादी को छोड़ने दो, दादी मुझे बस तक छोड़ करके आएंगी। जैसे दादी ने उसको छोड़ने की बात कही तो दादी उसको चीनी और भात खिलाया और साथ ही दादाजी जी तो वो कहा कि मैं भी चल रहा हूँ। इस छोटे से प्यारे से 4 साल के बच्चे आयुष को लेकर के दादा दादी दोनों लेकर के चले जाते हैं और बस तक उसको छोड़ के आते हैं। बस में बैठ करके वो टाटा बाय बाय करके वो आयुष बच्चा 4 साल का बच्चा निकल जाता है स्कूल, और जब वो स्कूल से लौट कर नहीं आता है तब ये घर में सब के सब परेशान हो जाते हैं। और उस आयुष के जो पिता होता है वो स्कूल के प्रिंसिपल को फोन करता है, कहता है मैडम आज स्कूल मेरा बच्चा जरूर गया लेकिन स्कूल से वापस लौट करके नहीं आया, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो जैसे प्रिंसिपल ने ये बात सुनी तो प्रिंसिपल ने कहा कि आज तुम्हारा बच्चा विद्यालय ही नहीं आया, स्कूल ही नहीं आया। जब ये बात कही जाती है, वो पौश इलाके में स्कूल होता है जो कि थाना दिघा क्षेत्र के ही एक फतुआ कॉलोनी होता है, टीनी टोट एक स्कूल का नाम था, टीनी टोट एकेडमी जो कि काफी नामी स्कूल होता है। जब उसके प्रिंसिपल ने साफ इस बात से इनकार किया कि हमारे यहाँ तो बच्चा आया ही नहीं आपका और हम तो ये सोचना भी आपको देने वाले थे। जैसे शैलेश राय ने ये बातें सुनी उसके बाद दौड़ता भागता वो उस बस वाले के पास जाता है जो बस वाला उसके बच्चे को लेकर के रोज जाता था स्कूल। वहां जाकर के पूछता है कि तुमने मेरे बच्चे को कहाँ छोड़ा, जबकि यानी उस बच्चे की दादी और उसके बच्चे के दादा ने उसको गाड़ी में बिठाया है, उसके सामने टाटा बाय बाय किया था लेकिन तुम उस बच्चे को कहाँ छोड़ करके आए। बस के ड्राइवर डर जाता है पूरी तरीके से। बस वाला कहता है साहब मैं आपके आगे हाथ छोड़ रहा हूँ, मैंने आपके बच्चों को विद्यालय ही छोड़ा है, आपको विश्वास नहीं होता था, आप सीसीटीवी कैमरा जाकर के चेक कर लीजिए। जब बात सीसीटीवी कैमरे की आती है एक उम्मीद एक भरोसे के साथ जब ये कोई बात कहता है तो परिवार वालों को लगता है हाँ ये जो कह रहा है इसकी बात सुन लेते। शाम के करीब 5 बजे के आसपास
इसके बाद 5 बजे के आसपास परिवार के लोग जो आए, उसके पिता होते हैं शैलेश राय, उसकी माँ, उसके चाचा निशांत कुमार, दादा दादी, आसपास के गांव के जो लोग होते हैं सब बहुत बड़ी संख्या में स्कूल की तरफ बढ़ते हैं। और स्कूल में जाने के बाद पूछते हैं प्रिंसिपल मैडम से कि मैडम मेरा जो लड़का आयुष है वो विद्यालय आया है, ऐसा कंडक्टर और ड्राइवर दोनों दावा कर रहा है, बस आप मुझे सीसीटीवी कैमरे दिखा दो। जब सीसीटीवी कैमरे दिखाने की बात आती है कहते तुम्हें विश्वास ही नहीं है, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है। यानी तमाम तरह के बहाने बनाए जाते हैं प्रिंसिपल मैडम की तरफ से। आखिरकार बहाना बनाते बनाते प्रिंसिपल साहब इनकार करती है, कहते हैं आप संचालक से बात करो। प्रिंसिपल होती है बीना झा, जो स्कूल का संचालक होता है वो धनराज झा, यानी इसी प्रिंसिपल का बेटा ही होता है जो स्कूल का मालिक होता है। ये प्रिंसिपल साफ साफ मना कर देते हैं। उसके बाद धनराज झा के पास जाते हैं ये लोग, वो भी साफ मना कर देता है सीसीटीवी फुटेज दिखाने से। परिवार वाले परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, उसके बाद वो सीधा पहुंच जाते हैं नजदीकी पुलिस स्टेशन यानी दीघा पुलिस स्टेशन जाते हैं, और ब्रजकिशोर सिंह के साथ यानी SHO के पास जाते हैं और कहते हैं साहब मेरा बेटा रोजमर्रा की तरह स्कूल जाता है लेकिन आज वो स्कूल गया, वापस घर नहीं आया। स्कूल के बस वाला है, वो कहता है कि स्कूल पर छोड़ कर आए हूँ, स्कूल वाले मना कर रहे हैं। अब ब्रजकिशोर सिंह SHO जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है तुम चिंता मत करो, तुम अपने स्तर से भी प्रयास करो, हम भी कोशिश करते हैं। आखिरकार पुलिस और जो परिवार के सामूहिक लोग थे उन्होंने हर तरह से हर संभव कोशिश किया इसको खोजने की। ब्रजकिशोर सिंह पहुंच जाते हैं उस स्कूल में, जाकर के प्रिंसिपल से कहते हैं कि मुझे सीसीटीवी दिखाइए, हम देखना चाहते हैं कि आखिरकार वो बच्चा आया या फिर नहीं आया। जैसे ही सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाते हैं तो बच्चा वो स्कूल आया था। अब यहीं पर से पुलिस और प्रशासन के साथ साथ घर वालों को भी एक ये उम्मीद बढ़ जाती है कि हाँ स्कूल बच्चा आया है तो फिर कहाँ गया। बाकी कैमरे चेक किया जाता है, जिस कमरे में बैठ करके वो रोज पढ़ता था उस कैमरे में भी चेक किया जाता तो बच्चा वही दिखता है। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल का बयान था वो क्लैश हो जाता है, यानी जो उसने कहा था बच्चा आया ही नहीं, हम आपको कॉल करने वाले थे, ये बात पुलिस को भी खटक जाती है और ये परिवार के लोगों को भी खटक जाती है। कहती पूरी स्कूल का सीसीटीवी कैमरा का दिखाइए आप, पूरी सीसीटीवी कैमरे देखे जाते हैं आराम से बैठ करके, रात भर लोग देख रहे थे। जब करीब रात के 2:30 या 3 बजे के आसपास का समय होता है, 16 और 17 मई 2024 की रात की ये घटना है। जब सीसीटीवी फुटेज देखते देखते ये पता चलता है कि 11:49 के आसपास में और 12:01 तक, 11:49 से 12:01 तक की जो सीसीटीवी फुटेज थी वो डिलीट की गई थी। इसके अलावा आगे पीछे की फुटेज थी, इससे कारण पूछा जाता था कि इतना लगभग 10-11 मिनट का वीडियो जो है वो सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट किया गया, क्यों गायब है। प्रिंसिपल और संचालक इसका सही जवाब नहीं दे पाते पुलिस वालों को। आखिरी बार उसको देखा जाता है आखिरकार प्ले रूम के भीतर, और प्ले रूम के भीतर जब देखा जाता है तो मां जिद करने लगते हैं कि मुझे प्ले रूम देखना है, हर हाल में देखना है, अब चाहे जो भी हो जाए। जब जिद की जाती है तो रात के करीब 3 बजे के आसपास उस प्ले रूम का दरवाजा खुलवाया जाता है और माँ ने हर एक चीज को प्ले रूम के अंदर जितने भी खेल खिलौने के सामान रखे थे, डब्बे रखे हुए थे, चाहे छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा कुछ भी हो, माँ की जितनी भी साथ हो सकती थी माँ ने हर एक चीज को उल्टा पलटा। और जब यहाँ से वो निकलने वाले थे सबके सब ये कहने लगते हैं कि यहाँ पर बच्चा नहीं होगा, तुम खामखा अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, चलो कहीं और देखते हैं, प्रिंसिपल से पूछो, इस साहब से पूछो। तभी माँ ने चलते चलते जो फर्श पे बैठी हुई एक चटाई जो थी उसको जैसे ही खींचा तो पता चलता है उसी रूम के भीतर एक गटर का ढक्कन भी लगा हुआ है, और माँ ने उस ढक्कन को जब तक उसको खुलवा नहीं लिया तब तक वो चैन से नहीं बैठी। खोला गया तो पता चला कि उसके अंदर तो आयुष की लाश पड़ी हुई है, यानी बेटे की गायब होने की करीब 15 घंटे के बाद आखिरकार उसकी लाश मिल जाती है, स्कूल के ही गटर से। आखिरकार ये लाश उस गटर के भीतर गया कैसे, अभी सवाल उठ गया। तब परिवार वालों ने बाकी लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने कहा कि इस बच्चों को लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं, हो सकता है कि जिंदा हो तो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो पता चलता है कि इसकी मौत तो करीब 15 घंटे पहले हो चुकी है। अब पुलिस वाले अब इस मामले की जांच पड़ताल में तफ्तीश में जुट जाते हैं, दिन निकल जाता है, बहुत बड़ी संख्या में लोग इस स्कूल पे जमघट लग जाता है। देखते देखते गुस्साए लोगों ने, क्योंकि ये नामी स्कूल होता है, यहाँ पे बच्चों की सुरक्षा के लिए अच्छी खासी फीस अदा की जाती है और सब तमाम तरह की सुविधाओं के नाम पर काफी लूट कसोट भी प्राइवेट स्कूल वाले करते हैं, तो परिवार वालों को काफी गुस्सा आता है। जो अभिभावकों ने जितना सुना और महिलाओं ने उस विद्यालय में आग लगा दी, चाहे प्रिंसिपल का रूम हो या स्कूल के कमरे हो, जहां तहां देखो उस विद्यालय में जब आग लगती है यहां से जब लोगों की विषाद नहीं बनती तो सीधा पहुंचते हैं सड़क पर, सड़क को पूरी तरह से जाम करते हैं। अब कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर बहुत बड़ा दबाव बन गया था कि आखिरकार वो लड़का खेलता खेलता उस गटर के भीतर कैसे गया। इसी सवाल का जवाब सिर्फ एक जानता था, वो केवल प्रिंसिपल बीना झा। जब प्रिंसिपल से बीना झा से पुलिस ने
दबाव दे करके पूछताछ की, तो एक कहानी सुनाई। कुछ लोगों को ये कहानी पे विश्वास होता है, कुछ लोग इस कहानी पे विश्वास नहीं करते हैं। जब तक पुलिस वाले इस मामले की तफ्तीश पूरी नहीं कर लेते तब तक इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। दरअसल बिना झा कहते हैं कि बच्चा क्लास के अंदर खेल रहा था और खेलते खेलते वो स्लाइड होकर गिर जाता है, उसके बाद उसके सर में चोट आ जाती है और काफी मात्रा में काफी संख्या में उसको ब्लड निकलने लगता है सर से। वो घबरा जाते हैं, तुरंत ही संचालक यानी वो अपने बेटे उसको बुलाया जाता है और जो शिक्षक मौजूद होता है मनीष मौके पर वो भी था। अब एक तरफ तो उसका जो सर से खून निकल रहा था उसको बंद करने की कोशिश कर रहा था, एक तरफ डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो ये बात किसी को पता चल जाए तो आखिरकार क्या होगा। उस बच्चे की हालत बेहोशी की होती है जब ये गटर का दरवाजा जो ढक्कन होता है उसको हटाया जाता है। हटाने के बाद जो है उस गटर के भीतर उस लड़का को आयुष को डाल दिया जाता है, जबकि वो बेहोशी की हालत में था यानी कि वो मरा नहीं था। काश उस लड़का को सही समय पे सही उपचार मिल जाता तो शायद वो अभी मरता नहीं, ऐसा तो प्रिंसिपल का कहना था। लेकिन प्रिंसिपल का यही कहना है कि हम साहब बहुत डर गए थे तो क्या तुम इस तरह से करोगे यार। कुल मिलाकर वो आयुष के लाश को निकाला जाता है तो जाहिर सी बात है हंगामा शुरू होता है, विद्यालय में आग लगा दी जाती है, साथ ही साथ जो बाहर सड़क को जाम किया जाता है इस सड़क पूरे राज्य भर में फैल जाता है कि प्रिंसिपल ने उसके बेटे जो स्कूल का संचालक जो होता है और साथ ही एक शिक्षक ने तीनों मिलकर के किस तरह से लापरवाही का अंजाम दिया और एक लड़के की हत्या कर दिया। अब जैसे मामला थाने में पहुंचता है उसके बाद इस बालक के जो चाचा होते हैं जिनका नाम निशांत होता है वो कहते हैं साहब अभी कुछ दिन पहले ही हमें धमकी दी गई थी, दरअसल हम बच्चे की जो फीस थी वो सही समय पे जमा नहीं कर पाए, 8,400 रुपए के आसपास इनकी फीस होती है, वो जब हम जमा नहीं कर पाते तो इन्होंने कहा था अंजाम तुमको भुगतना पड़ेगा। जब बात अंजाम की आती है तो हमें क्या पता कि हमारे लड़के की हत्या कर देंगे। उस व्यक्ति ने निशांत ने अपने बच्चे की हत्या के मामले में जो थाने में जो तहरीर दिया और थाने में तहरीर देने के बाद जो बिना झा संचालक होते हैं प्रिंसिपल होती है, संचालक धनराज होता है और मनीष शिक्षक, इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 302, आईपीसी की धारा 202 और 34 के तहत उसको मुकदमा दर्ज किया जाता है। पुलिस इस मामले में तफ्तीश में जुटी हुई है, आखिरकार हत्या के पीछे मेन कारण क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा था। साथ ही लड़के की चचेरी बहन इस प्रिया जो इसी विद्यालय में पढ़ते जब रिपोर्ट हो जाती है हंगामा हो जाता है तब प्रियंका केवल चौंकाने वाली बात सुनाती है। प्रिया का कहना होता है कि मैं उस समय वही थी जब उस लड़का को इस तरह से मारा जा रहा था और ये भी मार रहे थे उस गटर के भीतर डाल रहे थे, तब उसे अपनी आंखों से हम देखा जिसको खून निकल रहा था, तो मैंने कहा कि मैम मुझे मेरे भैया को मुझे दे दो, लेकिन मैम ने उसको पूरी तरह से धमकाया, कहा यह बात अगर स्कूल से बाहर गई तो तुम्हें भी इसी तरह से मारकर इसी गटर के भीतर डाल देंगे। प्रिया कितना सच कह रही है कितना नहीं कह रही है ये पुलिस की जांच के तफ्तीश के बाद ही क्लियर हो सकेगा, लेकिन जिस तरह से मामले में मुकदमा दर्ज किया गया, इस घटना का मामला, इस मामले का पूरे प्रदेश भर में घटना फैल चुका है और प्रिंसिपल की जिस तरह से लापरवाही रही है, उसके संचालक स्कूल संचालक की लापरवाही रही, शिक्षक की लापरवाही रही। कहते हैं ना कि विद्यालय सबसे सुरक्षित स्थान होता है, माँ बाप किसी भी जगह चले जाए लेकिन जब बच्चे को जब स्कूल भेज देते हैं माँ बाप तो बिल्कुल बेफिक्र होते हैं कि आप उनके बच्चे सुरक्षित होगा स्कूल के भीतर, जब विद्यालय के भीतर बालक सुरक्षित नहीं हो सकता है तो आप खुद सोच के देखिए कहाँ होगा। आपका बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो जाता है कहाँ, जाता है किससे मिलता है क्या नहीं करता, और स्कूल के भीतर शिक्षकों की इतनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। काश इस कहानी को हर शिक्षक को जरूर सुनना चाहिए। बाकी इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपका दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। बाकी मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद जय भारत।